अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर्व को देखते हुए जनपद को 2 दिन में 3 अरब रुपए के विकास कार्यों का सौगात देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को नगर निगम परिसर में आयोजित समारोह में नगर निगम की 223 करोड़ रुपए की लागत से 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वही मुख्यमंत्री द्वारा जीडीए के 63.84 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर के विकास के लिए आर्थिक विकास योजना के तहत बड़ी धनराशि जनपदवासियों को दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नगर निगम की 223 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा, जिनकी लागत 222 करोड़ है और इसके साथ साथ 54 परियोजनाएं जीडीए की हैं, जिसकी लागत 63.84 करोड़ की है। 280 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की सौगात दिवाली को उपहार के रूप में जनपदवासियों को देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जो सोच और विकास कार्यों को लेकर जो सपने हैं, उसको पूरा करने में समस्त परियोजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। नगर निगम और जीडीए का पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में जितनी कच्ची रोड है वह सभी पक्की और सीसी रोड की हो जाएं और जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वह पूरी तरह से जड़ से समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि उनके स्वागत के लिए नगर निगम ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। रंग बिरंगे कपड़ों और लाइटों से पूरा नगर निगम भवन को सजाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, कि आपके संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर नगर के विकास हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बड़ी धनराशि गोरखपुर शहरवासियों को दी है और उसमें नगर निगम गोरखपुर को और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा नगर निगम की लगभग 223 जो परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लागत जो है 222 करोड़ है और इसके साथ साथ जो 54 परियोजनाएं जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की हैं, जिनकी कुल जो लागत है वो 63.84 करोड़ है, उन सबको कुल मिलाकर 280 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की सौगात दीपावली के उपहार के रूप में, दीपावली के गिफ्ट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त गोरखपुर वासियों को देंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके एक विकास को लेकर जो उनकी एक सोच है, जो विकास को लेकर उनकी एक उनके सपने हैं, उसको पूरा करने में, उसको पंख लगाने में ये समस्त योजनाएं निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगी। और जो एक हम लोग नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण, हम लोग जो इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र इस वर्ष के समाप्त होते होते जितने भी हमारा शहर में कच्ची रोड हैं या नालियाँ हैं वो सभी हमारी पक्की हो जाएं, सीसी रोड हो जाएं, उनके किनारे नालियां हो जाएं और जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएं। आपने देखा होगा कि पिछली बार वर्ष जो वाटर लॉगिंग हैवी रेन की वजह से हुई थी, इस बार वाटर लॉगिंग समस्या ना के बराबर रही और कहीं अगर वाटर लॉगिंग हुई भी तो 3 से 4 घंटे के बीच में पूरा पानी जो है बाहर निकल गया है। इसी दिशा में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे शहरवासियों को जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको हर हालत में उपलब्ध कराया जाए और पूरा शहर इसको, जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि इसको देश के
टॉप 10 शहरों में शामिल किया जाए, उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कल के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आपने जो कहा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, एक गोरखपुर के इतिहास में एक विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और गोरखपुर को जो आगे बढ़ने में, विकास की गंगा को बढ़ाने में इसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होंगे और शहरवासियों को दीपावली में मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। देखिए मूल रूप से इसमें हमारी जो सड़कें हैं, खास तौर से इसमें जो हमारे जो विस्तारित क्षेत्र हैं, विस्तारित क्षेत्र के जो 32 गांव हैं, वहां पर पूरे क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि सीसी रोड और नालियों का जाल बिछाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे अन्य उन शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी उनका खास तौर से ख्याल रखा है जहाँ पिछले वर्ष वाटर लॉगिंग ज़्यादा हुई थी, इस बार इस योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे सीसी रोड और पक्की नाली बन जाए जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार से वहाँ पर पानी जल प्लावन की समस्या ना होने पावे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये कल का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक कार्यक्रम है और गोरखपुर में विकास के क्षेत्र में निश्चित रूप से इसके माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।